हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिव्यांशु क्लासेस में। काफी ठंडी है, मैं भी जानता हूँ कि आप लोग को भी बहुत ठंडी लग रही होगी। तो आप लोग भी घर में बैठे होंगे, घर में बैठे बैठे इस वीडियो को देखिए और सीखिए। इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको लुक्स और कंट्रोल ब्लॉक के बारे में और स्क्रैच के द्वारा। आज मैं स्क्रैच के द्वारा बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में scratch.mit.edu लिख लेना है। मैं आपको लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। फिर यहाँ आपका ऐसा इंटरफेस खुलेगा, फिर यहाँ साइन इन पर प्रेस करना है। फिर यहाँ आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालकर साइन इन कर लेंगे। साइन इन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। फिर यहाँ क्रिएट पे जाएंगे। ये थोड़ा लोडिंग लेगा। फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ हम लिख लेंगे, आज के वीडियो में हम लुक्स और कंट्रोल ब्लॉक के द्वारा सेल्फ इंट्रोडक्शन करेंगे। दो दो मैन के बीच में यहाँ लिख लेंगे सेल्फ इंट्रोडक्शन। फिर आप यहाँ टच करेंगे, ये सेव हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम पहले मैं इसके बारे में बता दूँ। यहाँ से आप कोड करेंगे, ये कस्टम्स है। यहाँ से आप कुछ भी बना सकते हैं, आप खुद से बना सकते हैं। और ये साउंड है, यहाँ से साउंड होगा। ओके, तो हम जाएंगे कोड पे। और ये है थ्री बटन, और यहाँ है ब्लॉक, मोशन ब्लॉक, लुक्स ब्लॉक, साउंड ब्लॉक, इवेंट्स ब्लॉक, कंट्रोल ब्लॉक, सेंसिंग ब्लॉक, ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स एंड माई ब्लॉक। हाई ब्लॉक्स में आप खुद से ब्लॉक बना सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंट्रोल ब्लॉक और लुक्स ब्लॉक के बारे में। सबसे पहले हम इसे डिलीट करेंगे। डिलीट कैसे करेंगे, इसे देख रहे हैं यहाँ डस्टबिन का ऑप्शन है, इसे यहाँ से डिलीट कर देंगे। फिर देखिए डिलीट करने के बाद ऐसा आया, आप यहाँ से किसी एक कैरेक्टर को चूज कर सकते हैं और यहाँ से किसी बैकग्राउंड को चूज कर सकते हैं। और यहाँ आप खुद से भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ करेंगे तो आपका गैलरी खुल जाएगा और यहाँ आप खुद से अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पेंट पे क्लिक करेंगे तो आप पेंट कर सकते हैं। हम आज एक स्प्राइट चूज करेंगे, तो यहाँ बहुत सारे स्प्राइट हैं। आप सर्च करेंगे, आज हम एनिमल के बीच में बनाए कि मैन के बीच में, आज हम बनाते हैं मैन के बीच में। मैन में तो केवल स्नोमैन है, डालेंगे। आप पीपल पे जाएंगे, पीपल के जाने के बाद हाँ बहुत सारे मैन हैं। तो आज हम लेते हैं, आप बॉय सर्च करेंगे तो भी आ जाएंगे। बॉय सर्च कर रहे हैं तो बॉय है, इसे ले लेते हैं। और आप इसे खुद से कहीं भी ले जा सकते हैं और इसका आप नाम भी रख सकते हैं। और देखिए ये दो बटन है, शो और हाइड। यहाँ प्रेस करेंगे तो हाइड हो जाएगा, दिखेगा नहीं। ऐसे प्रेस करेंगे तो दिखने लगेगा। एक्स और वाई है, ये तो आप जानते ही हैं। यही मैंने इससे इसका जगह बदलता है। जैसे कि अगर मैं कर दूं 8 यहाँ और कहीं प्रेस कर दूं तो देखिए थोड़ा सा इधर हूँ। और इसके जगह अगर मैं 50 कर दूं, देखिए थोड़ा सा नीचे आ गया। दो एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो देखिए यहाँ लिखा भी एक्स और वाई, और वाई ऊपर नीचे, एक्स इधर उधर। तो ये इसका साइज है। अगर आप इसका साइज छोटा करना चाहते हैं, जैसे कि अगर इसका साइज 50 करना चाहते हैं, ओ, तो
ये तो ज्यादा छोटा, 100 ही रहने देते हैं। और इसका डायरेक्शन, तो हम 1% हो गया। अब यहाँ हम सर्च करेंगे गोल्ड। ये बॉय है, इस गर्ल को लेते हैं। अब ठीक है, अब हम इसका कोडिंग करेंगे। देखिए, अब यहाँ आपको जिसका वाटरमार्क दिखेगा, मैं आपको जूम करके बता देता हूँ। यहाँ आपको देखिए, इस बॉय का वाटरमार्क दिख रहा है ना। यहाँ एक बॉय का वाटरमार्क दिख रहा है, इस बॉय का वाटरमार्क दिख रहा है, तो यहाँ इस बॉय का कोडिंग होगा। और अगर इस गर्ल का वाटरमार्क दिखेगा, इस गर्ल का कोडिंग होगा। अब इस बॉय का वाटरमार्क हो रहा है, तो हम बॉय का ही कोडिंग करेंगे। तो अब यहाँ हम सबसे पहले इवेंट ब्लॉक लाएंगे। इवेंट क्यों लाएंगे? क्योंकि वेन क्लिक्ड इस ब्लॉक को इसलिए लाएंगे, क्योंकि जब ये क्लिक होगा, जब ये हरा झंडा क्लिक होगा, तभी ना ये चालू होगा। हाँ, दिया भी है गो, तो इससे चालू होता है, इससे स्टॉप। अगर हम ये लाएंगे ही नहीं, तो चलेगा ही नहीं। इसलिए कोडिंग में एक-एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है, मतलब एक भी चीज छूटा तो ये काम ही नहीं करेगा। तो जब क्लिक होगा, तब क्या होगा, ये इसे हेलो कहेगा। ये भी कर सकता है, आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। लिखेंगे हाय, आई एम सासा, तो अब देखिए, अब हम गर्ल में कोडिंग करेंगे। वेन क्लिक्ड ये लाएंगे, फिर लुक्स में जाएंगे, ये लाएंगे नहीं। क्यों नहीं लाएंगे? क्योंकि तो आपने देखा, क्या मैंने ये लगाया है, तो अगर दोनों का मैं अगर यही लगा दूंगा सेम, तो दोनों एक साथ बोलने लगेगा। तो यहाँ हम लाएंगे कंट्रोल ब्लॉक, और यहाँ वेट। अब यहाँ आप देखिए, ये से हाय आई एम सासा फॉर 2 सेकेंड, ये 2 सेकेंड बोल रहा है, तो इसे हम 2 सेकेंड वेट करवाएंगे। क्योंकि जब तक ये बोलेगा, तब तक ये रुकी रहेगी, और तब ये बोलेगी। क्या बोलेगी? ये बोलेगी हेलो, आई एम ओके। अब जब जब वो बोलेगी तो ये रुकेगा। अब अभी वो बोलेगी, हम यहाँ लगा देते हैं वेट 2 सेकंड्स। अभी इतना ही कोडिंग करके देखते हैं कि काम कर रहा है क्या। देखिए, काम कर रहा है, तब हम लोग करेंगे आगे कोडिंग। फिर लुक्स में जाएंगे, फिर ये लाएंगे से, फिर करेंगे यहाँ लिखेंगे। यहाँ हम पहले कोडिंग थोड़ा बदलेंगे, यहाँ करेंगे हाय 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 लुसा, हाउ आर यू, ये करेंगे। फिर ये क्या बोलेगी? ये बोलेगी हेलो सासा, आई एम फाइन, हाउ आर यू। यहाँ हम फुल स्टॉप, फिर यहाँ करेंगे आई एम फाइन, ऑल्सो
Fine. I am also fine. Okay. I am also fine. अब इसके लगा देते हैं वेट 2 सेकेंड्स, चालू करते हैं, इसे स्टॉप कर देते हैं फिर। ओके, मैंने बस प्रैक्टिकली बताया है, आप अपने से कोई भी बनाएंगे और इस कंट्रोल और लुक्स ब्लॉक के यूज से बनाएंगे। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वो आप उस पे आप अपना होमवर्क सेंड कर देंगे। सेंड कैसे करेंगे? यहाँ जो एडिटर लिखा है यहाँ पे आप टच करेंगे और इस एडिटर को हटा देंगे। अब इसे सर्च करेंगे, कैंसिल कर देंगे, इसे सेव कर देंगे। यहाँ पे आप जाएंगे तो भी हो सकता है। फिर यहाँ पे तो आप यहाँ आप बना के ये जो लिंक है आप शेयर कर देंगे, या आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, यहाँ पे आपका यहाँ पे शेयर का बटन एक आएगा, मेरे पे नहीं आ रहा है लेकिन आपके पे जरूर आएगा, और नहीं आया तो आप यहीं पे जाके ये जो लिंक है इसे कॉपी कर लेंगे और मेरे टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देंगे। आप उसे सर्च करेंगे टेलीग्राम पे दिव्यांशु क्लासेस, वो भी वहां आपको मिल जाएगा। मिलते रहेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वेरिएबल्स का यूज कैसे करें। ओके।